हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं सिखा रही हूँ क्रॉप टॉप बनाना, जिसमें सीना है 36 इंच और लंबाई है 14 इंच। तैयार। तो जितना सीना होता है उसका पहले हम चौथा भाग करते हैं, 9 इंच आएगा, 1.5 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे, मतलब 10.5 इंच चौड़ाई रखनी है, और लंबाई 14 इंच है तो 2 इंच कपड़ा बढ़ा कर लेंगे, 16 इंच लंबाई रखनी है। तीरा इसमें 15 इंच है तो मैं 7.5 लूँगी, क्योंकि बॉट नेक गला बना रही हूँ। तो मैं आपको नाप लगा के दिखाती हूँ। ये पूरा पूरा 10.5 इंच आ रहा है चौड़ाई, और लंबाई लेनी है मुझे 16 इंच। तीरा है इसका 7.5 इंच, ये 7.5 इंच मैंने तीरा लिया है, और गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 4 इंच, और लंबाई है 8 इंच, 5 इंच। दोनों तरफ बॉट नेक गला है और एक ही साइज का गला है, तो एक ही बार में काट देंगे। मुड्डा है इसमें 17 इंच का, तो उसका हाफ होता है 8.5 इंच, लेकिन हम 1 इंच कम लेते हैं, 7.5 इंच लेंगे। इस तरीके से जब हम घुमाएंगे तो 8.5 पे ही आएगा। सीना 9 इंच है, ये 9 इंच पे मैंने निशान दे दिया। यहाँ पे हल्की सी तीरे की कटिंग देंगे और हल्की सी कमर की कटिंग देंगे, बस। विदाउट स्लीव्स का क्रॉप टॉप है, इसमें स्लीव्स नहीं लगानी है, सिर्फ यहाँ पे अंडरग्राउंड सिलाई लगाऊंगी मैं, बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगी। ये कपड़ा मोटा है तो अंडरग्राउंड सिलाई का क्रॉप टॉप बना के दिखा रही हूँ। अब इस कपड़े को हमें, ये अस्तर है, इसके ऊपर हमें सेट करना है। यहाँ पे फिटिंग के लिए मैं प्लेटें डाल रही हूँ 3.5 इंच की दूरी पर। यहाँ से दूर 3.5 इंच लेना है और ऊपर से 11 इंच नीचे। ये दो ही प्लेटें आएंगी सिर्फ इसमें, क्योंकि ये क्रॉप टॉप है, ब्लाउज नहीं है। इस साइड भी ऐसे प्लेट डालेंगे। ऐसी ही प्लेटें हम बैक साइड में भी डालेंगे। अब इस कपड़े पे मुझे इसको कच्चा करना है, तो कच्चा मैं सीधी साइड से करूंगी। ये कपड़े का सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है। सीधी साइड पर कपड़ा रखकर इस तरीके से गले की सिलाई लगा लूंगी और फिर इसको पलट दूंगी, तो गले की पट्टी लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ। ये मैंने सीधे कपड़े पे अस्तर रख के गले पे सिलाई लगाई है। कपड़ा सीधा है, ध्यान से देख लो। और गले पे सिलाई लगाने के बाद इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, तो जैसे जैसे गला काटा है उसी के टच में मैं कटिंग कर रही हूँ। इस टाइप के गले में पट्टी लगाने की जरूरत नहीं होती, अंडरग्राउंड सिलाई होती है। और इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर, 1-1 इंच की दूरी पर कट लगाए जाते हैं। जब हम गले को फोल्ड करेंगे तो झोल नहीं आएगा,
फिनिशिंग से कलर निकलेगा एकदम। इस तरीके से एक एक इंच की दूरी पे कट लगाए जाते हैं। अब मैं गले को पलट के दिखा रही हूँ, ये देखो ये सीधा साइड है। एकदम फिनिशिंग से गला आया है। इसी तरीके से मैं बैक साइड भी ऐसी कटिंग कर लूंगी और इसके ऊपर फिर एक पैर की दूरी पर thank you.
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।